स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं लास्ट सुफुरे हाइकर्स वर्सेस सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स T10 मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा अर्नो सोले ग्राउंड किंगस्टाउन पे, और ये मैच रात के 12 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे लास्ट ईयर 30 मई को लास्ट सुफरे हाइकर्स वर्सेस डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स के बीच में VPL एडिशन 3 का फाइनल मैच खेला गया था। तब अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है, जो पिच रहेगी ना दोस्तों, यहाँ पे एक मैच यूज पिच रहेगी। आपको पता ही है यहाँ पे पहले ना 9:30 बजे एक मैच स्टार्ट होगा, ठीक है। ये दिन का मैच नंबर 2 है, दूसरा मैच है, दिन का चीज आपको ध्यान देनी है। इससे पहले यहाँ पे एक मैच खेला जा चुका होगा जिसका नाम हुआ क्या, ग्रेनाडा डाइवर्स वर्सेस बॉटनिकल गार्डन रेंजर्स। ये कितने बजे, 9:30 बजे। फिर ये मैच नंबर 2 है, दूसरा जो उसको भी अपन कवर कर रहे हैं, लास्ट सुफरे हाइकर्स वर्सेस सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स। चीज आपको ध्यान देनी है, ये मैच नंबर 2 है दिन का। तो आप क्या करोगे, आप और मैं दोस्तों ये करेंगे कि अपन पहला मैच देखेंगे लाइव, ठीक है, और उसके अंदर अपन ऑब्जर्व करेंगे कि पिच दोस्तों यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रही है, उसके हिसाब से सबको टीम बनानी है। और मेरा ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि लास्ट ईयर जो पिच थी ना वो ड्राई पिच थी, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, स्लो पिच थी, और टर्न देखने को मिला था लास्ट एडिशन के अंदर कटर बॉलर्स यहाँ पे इफेक्टिव थी, जो स्लो रन डालते हैं, वेरिएशन डालते हैं, उनको यहाँ पे मदद मिली थी। पर आपको बताइए, ये डे 1 है इस लीग का, विंसी प्रीमियर लीग का चौथा एडिशन है 4.0, और अपन ने आपको बताया तीनों लीग कवर करी थी, मतलब तीनों एडिशन, ये इनका चौथा एडिशन है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, डे 1 है तो पिच फ्रेश रहेगी, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से इतना टर्न ना हो। पर अपन पहले मैच में देखेंगे। अब देखो, जो टीम बैट फर्स्ट करिए सोनी के ऊपर 45 मैच जीती है, जो टीम यहाँ पे चेस करिए दोस्तों, आप हिसाब लगा सकते हो, 82-45 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो टीम बैट फर्स्ट करिए उसको एडवांटेज मिला है, 82 में से 45 में जो टीम यहाँ पे बैट फर्स्ट करिए वो जीती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे, और आई थिंक 37 मैच यहाँ पे जो टीम चेस करिए ना वो जीती है, बैट फर्स्ट 45। बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ऑस्ट्रेलियन स्कोर 60-80 दिखता आपको बनता हुआ दिखेगा हर एक पारी के अंदर। लास्ट 82 मैचेस के अंदर सोनी के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स ने तेज गेंदबाजों ने 326 विकेट निकाले हैं, स्पिनर्स के 338 विकेट है। अब देखो, जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था 30 मई को लास्ट ईयर, जिसके अंदर 8 विकेट गिरे थे फाइनल मैच के अंदर, उसमें दोस्तों लास्ट सुफरे हाइकर फाइनल खेली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ये। 3 विकेट पेसर्स के थे, 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे, सन्नी वेदर रहेगा, चीज आपको ध्यान देनी है। बढ़िया माहौल है दोस्तों, एकदम सेट। आपको बताइए, मैच स्टार्ट होगा 2 बजे के आसपास रात, मतलब अपने यहाँ पे तो बज रहा रहेगा रात का 12, और वहाँ पे दोपहर के कुछ 2 बज रहे रहेंगे, वहाँ पे सनी वेदर रहेगा, चीज़ आपको ध्यान देनी है। 27°C है। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना दोस्तों। आपकी डिमांड थी कि मैं ICC वुमेंस वर्ल्ड कप के साथ और IPL के साथ एक लीग कवर करूँ, मैं दोस्तों कवर कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर। अब बात करेंगे इसकी लाइनअप्स की, तो आपको ध्यान देना है, लास्ट सुफरे हाइकर्स की तरफ से डेसरन मलोनी कैप्टनसी कर रहे हैं, गेडरन पॉपे ओपन करेंगे, डिलन डगलस वन डाउन आने चाहिए, केविन मॉर्स दोस्तों 2 डाउन आएंगे यहाँ पे, वेस्ट इंडीज बी के लिए खेल चुके हैं, जैसे वेस्ट इंडीज ए टीम होती है ऐसे वेस्ट इंडीज बी टीम भी होती थी पहले। एंड्री थॉमस लेफ्टी बैटर है, केविन मॉर्स दोस्तों यहाँ पे राइटी बैटर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, डिलन डगलस राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिन भी डालते हैं। फिर आएंगे यहाँ पे जेले वाल्टर्स लेफ्टी बैटर राइट आर्म मीडियम है, जर्बी लेने राइटी बैटर राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ऑथर्नल लुइस ऑफ स्पिनर है और हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत लंबी हाइट है इनकी, रैन विलियम्स राइट आर्म फास्ट मीडियम है, कैमरन स्टफ राइट आर्म मीडियम है, ओजियो मैथ्यूज यहाँ पे ऑफ स्पिनर है। अब देखो मैं आपको कुछ बताऊंगा, बेंच के ऊपर निगल स्माल है ऑफ स्पिनर है, कॉबे डेबेरियो राइट आर्म मीडियम फास्ट इमर्जिंग प्लेयर है। अब देखो, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में समझाया था ना, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी के अंदर आता है। टीम का नाम क्या है, टीम का नाम है लास्ट सुफरे हाइकर्स, तो कैप्टनसी कर रहे हैं डेसरन मलोनी, A+ कैटेगरी के अंदर है। कैटेगरी मतलब क्या हो गया, कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी के अंदर आता है, सबको इसे ही पता लगता है कि प्लेयर की इंपॉर्टेंस कितनी है, वो टीम के अंदर वैल्यू कितनी है। तो देखो, रिटेन प्लेयर है ऑथर्नल लुइस, डिलन डगलस, ये दोनों ए कैटेगरी के अंदर आते हैं, डेसरन मलोनी A+ में आते हैं जो सबसे टॉप के ऊपर है। इसके नीचे आता है कौन सी कैटेगरी, आपको पता है, ओवरसीज प्लेयर की, ओवरसीज प्लेयर के अंदर केविन मॉर्स ओवरसीज प्लेयर है, गिडरन पॉपे ओवरसीज प्लेयर है। फिर चलते हैं कैटेगरी बी के अंदर आते हैं रियान विलियम्स और जर्मी लेन। फिर सी कैटेगरी के अंदर आते हैं निगल स्मॉल और जे मैथ्यूज, जोएल वाल्टर्स, एंड्री थॉमस, जडे जॉन, कैमरन स्टफ, और इमर्जिंग प्लेयर है इनका डेवलपिंग प्लेयर कॉबी डेब्रियो। चलेंगे दोस्तों यहाँ पे फिर से अपन दूसरी टीम है सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स, तो यहाँ पे इस साल सुनील एम्ब्रेस दोस्तों नहीं खेलेंगे, जितना मुझे न्यूज़ मिला है, खेल भी सकते हैं अभी तक जो उनका स्क्वाड है ना सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स का, यहाँ पर 14 प्लेयर का, उसके अंदर इनका इस बार नाम नहीं था। पर अभी आपने देखा होगा जो फैंटेसी ऐप अपना ये ड्रीम इलेवन, उसके अंदर लोगों ने उस ऐप
के अंदर सुनील एम्ब्रोस को मेंशन कर रखा है, मेरे हिसाब से शायद नहीं खेले। रिकफर्ड वॉलकर है, कैडेम एलियन है, यहाँ पे ये सीपीएल खेले थे आपको याद होगा सेंट लूसिया के लिए, मेरे को भी दोस्तों अभी भी याद है वो चीज़। राइट ही बैटर, राइट मीडियम फास्ट बॉलर है, कादिर नड यहाँ पे लेफ्ट ही बैटर है, रिकव विलियम्स लेफ्ट राइट ही बैटर है, रियान जॉन यहाँ पे राइट ही बैटर राइट फास्ट मीडियम, चीज़ आपको ध्यान देनी है। रियान जॉन दोस्तों के ओवरसीज प्लेयर हैं, आपने उनको स्पाइस स्टेडियम के अंदर कैप्टनसी करते हुए देखा होगा इनकी टीम के लिए इस साल, इसके अंदर सॉल्ट पॉन्ड बेकर्स के अंदर कैप्टनसी डेलरॉन जॉनसन कर रहे हैं, लेफ्टी बैटर राइट आर्म मीडियम फास्ट है वो, और बहुत अच्छा इन्होंने हाई लेवल पे खेला है। अडिगस ब्राउनी लेफ्टी बैटर ऑफ स्पिनर है, अंशन लक्ष्मण यहाँ पे विकेट कीपर राइट ही बैटर है, बेनिंगटन स्टेपल्टन बहुत अच्छे वेरिएशन करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, कैंसली जोसेफ राइट ही बैटर है, डेवन्टे मैकडोवल्ड इमर्जिंग प्लेयर है। इनका दोस्तों ये रूल पता नहीं चला कि क्या डालते हैं, ऑफ स्पिनर राइट ही मतलब राइट आर्म पेस बॉलर है लेफ्ट आर्म पेस है, ये अभी तक इनका पता नहीं चला। अब बात करेंगे इसकी, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कुछ चीज़ें जो आपको बारीकी से समझनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका कैप्टन कौन है, ए प्लस कैटेगरी के अंदर डेलरॉन जॉनसन है, फिर रिटेन प्लेयर्स इनके दो हैं रिकफर्ड वॉलकर रिकावो विलियम्स, फिर यहाँ पे आते हैं ओवरसीज कैटेगरी के अंदर रियान जॉन कदीम एलियन, अब बी कैटेगरी के अंदर कौन है बेलिंगटन स्टेपल्टन कादिर नेड, अब इनकी सेकंड कैटेगरी जो सबसे नीचे कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं अंशन लक्ष्मण कैंसली जोसेफ अटिकस ब्राउनी जॉर्डन सैमुअल कैमरू केन कुबर्ट स्प्रिंगर और इमर्जिंग प्लेयर डेवन्टे मैकडोवल्ड। चलेंगे फिर से अब स्टैट्स की तरफ, तो आपको स्टैट्स पर ध्यान देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो, सबसे यही कहूँगा बस आपके दोस्तों इतनी सी मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। टी टाइम स्टैट्स की बात करते हैं, तो लास्ट सुपर हाइकर्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो डेसरॉन मलोनी ने अभी तक टी टेन लीग के अंदर 31 मैच खेले हैं, 23 की औसत है, 481 रन है, हाई 54 है, स्ट्राइक रेटिंग का 151 है। न्यूड्रॉन पॉप इनका दोस्तों टी टेन लीग इतनी अच्छी नहीं गई अभी तक, 29 मैच के अंदर 16 की औसत है, 377 रन है, हाई 59 है, 3 ओवर बॉलिंग करी है, 0 विकेट्स निकाले हैं। डिलन डगलस 31 मैच 37 की औसत है, 744 रन है, हाई 58 है, 25 विकेट है, 50 ओवर गेंदबाजी करी है, तो एक्सपीरियंस दोस्तों के पास बहुत तगड़ा है और बहुत अच्छे प्लेयर हैं यार ये डिलन डगलस इज अ स्टार प्लेयर खुद में दोस्तों। डिलन डगलस एक टीम है, जैसे बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना जो खुद के अंदर एक अलग ही प्लेयर होते हैं दोस्तों, इस तरह डिलन डगलस खुद में एक अलग ही प्लेयर है। कैबा मौज 11 मैच के अंदर 20 की औसत है, टी टेन के अंदर 121 रन है, 5 विकेट है, 19 ओवर गेंदबाजी करी है अभी तक इन्होंने टी टेन लीग के अंदर। एंड्री थॉमस का 20 मैच के अंदर 6 ओवर बॉलिंग करी है और 3 विकेट निकाले हैं, विद द बैट 20 मैच में 140 रन है, 14 की औसत, 32 है। जेल वॉल्टर्स ये वेस्ट इंडीज अंडर 19 के लिए खेल चुके हैं लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसा नहीं आया अभी तक, 28 मैच के अंदर 101 रन है, 2 विकेट है, 2 ओवर बॉलिंग करी है सिर्फ। जर्मी लैन 21 मैच 24 विकेट है, 36 ओवर गेंदबाजी करी है, ये डेथ और स्पेशलिस्ट थे लास्ट ईयर, मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं जर्मी लैन। ऑथनॉल लुइस 31 मैच 24 विकेट है, नई गेंद से दोस्तों विकेट्स निकालने के लिए जाने जाते हैं, एक नई गेंद से टॉप ऑर्डर को कॉलेप्स करते हैं जो सामने वाली टीम होती है उनके ओपोनेंट के, और 191 रन विद द बैट लंबी हाइट हिटिंग कर लेते हैं, 58 ओवर बॉलिंग करा 31 मैच के लिए। रियान जॉन 27 मैच 15 विकेट्स हैं और 28 ओवर गेंदबाजी करी है, इनके पास भी एक्सपीरियंस है। कैमरन स्टफ का 19 मैच में 12 विकेट है और 26 ओवर गेंदबाजी करी है, इनका दो ज़्यादा अच्छा स्टैट्स है कैमरन स्टफ का एज कम्पेयर टू रियान विलियम्स। और जय मैथ्यूज का 20 मैच में 15 विकेट है, 23 ओवर बॉलिंग करी है, ये ऑफ स्पिनर है, इनका दिनों रात छा जाते हैं ये। निकल स्माल का 24 मैच में 11 विकेट है और 38 ओवर गेंदबाजी करी है। रोमेरियो बेबी 20 मैच 16 विकेट 28 ओवर गेंदबाजी करी है, ये भी स्क्वाड के अंदर नहीं थे पर यहाँ पे फैंटेसी ने इनका नाम मेंशन कर रखा तो मैंने भी आपको स्टैट्स लिख के दे दिए हैं, तो बहुत अच्छे गेंदबाज शायद ही खेलेंगे। स्टार्टिंग ओवर कैमरन स्टफ ऑथनॉल लुइस डेथ के अंदर जर्मी लैन रियान विलियम्स डिलन डगलस। बात करेंगे सॉल्ट पॉन्ड बेकर्स की, रिकफर्ड वॉलकर 27 मैच 10 की औसत है 162 रन है, हाईस्ट 30 है, स्ट्राइक रेट 122 का। ये दोस्तों ऐसे प्लेयर हैं जो लास्ट ईयर ना ओपनिंग कर रहे थे फिर बाद में क्या हुआ इनको ओपनिंग में परफॉर्मेंस ना देते हुए इनको सीधा लोअर ऑर्डर के अंदर भेजा, फिर ये लोअर ऑर्डर के अंदर जाके रन बनाए थे, ऐसा होता लास्ट ईयर। आएंगे फिर कदीम एलियन, ये शायद ओपन भी कर सकते हैं लेकिन ये आमतौर पर बॉलर ही देखे जाते हैं, बैट भी करते हैं ऐसा नहीं है, ये डोमेस्टिक लीग्स के अंदर इवन टॉप ऑर्डर में खेल चुके हैं, तो देखते हैं इनका क्या ऑर्डर रहेगा। सीपीएल के अंदर 2 मैच के अंदर 3 विकेट निकला था लास्ट ईयर, सेंट लूसिया किंग्स के लिए खेला था। कादिर नेड का 28 मैच में 21 की औसत है, बहुत अच्छे हिटर है, लेफ्टी बैटिंग करते हैं, 417 रन आए, 69 है, स्ट्राइक रेट 145 का, क्लास प्लेयर है, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, मतलब बॉडी भी अच्छी खासी है इनकी। रिकावो विलियम्स 10 मैच 12 की औसत है, 108 रन आए, 41 है, स्ट्राइक रेट 177 का, कभी कभी चलते हैं इनका दिन हुआ तो। रियान जॉन ये स्पाइस टी टेन लीग के अंदर खेले हैं, अपनी टीम की कैप्टनसी कर चुके हैं पास्ट के अंदर, तो 10 मैच के अंदर 20 की औसत है, 118 रन आए, 46 से 4 विकेट है, 17 ओवर बॉलिंग करिए तो अच्छी खासी बॉलिंग भी कर लेते हैं ये। अडिगस ब्राउनी 25 मैच 9 की औसत है, 118 रन आए, हाईएस्ट 18 है इनका,
अंसन लक्ष्मण 24 मैच में मात्र 40 रन है। डिलरॉन जॉनसन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिलरॉन जॉनसन का 29 मैच में 27 विकेट है, 180 रन है, ही कैन हिट ए लॉन्ग सिक्सर्स, बहुत अच्छी खासी हाइट है इनकी, 61 ओवर बॉलिंग करा 29 मैच के अंदर, गजब स्टार्ट्स यार इनके। आएंगे फिर यहाँ पर कौन, डैनिटल स्टेपल्डन 30 मैच 18 की औसत है, 129 रन है, 42 है, 25 विकेट्स हैं, 39 ओवर बॉलिंग करा है, एक्सपीरियंस तगड़ा इनके पास, विकेट्स निकाल लेते हैं। बोल्ड इन 22 इनिंग्स, 30 मैच खेल के 22 बारी में गेंदबाजी करी है, इकोनॉमी 8.6 की रही है। आएंगे कैंथली जोसफ 16 मैच 77 रन, 2 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करी है, आई थिंक टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं हिटिंग करने के लिए। डोवंटे मैकडोवल्ड, इन्होंने अभी तक T20 के अंदर 5 मैच खेले हैं, 6 विकेट है, इन्होंने अभी तक T10 लीग के अंदर डेब्यू नहीं करा है। जॉर्डन सैमुअल का T10 के अंदर 5 मैचों में 3 रन है, ये पहले खेल चुके हैं T10 लीग, विकेट कीपर बैटर है। कुबर्ट स्प्रिंगर T20 के अंदर 23 मैच के अंदर 9 विकेट है, 364 रन है, 17 की औसत। स्टार्टिंग हूँ डेलरन जॉनसन रियान जॉन, डेथर के अंदर रियान जॉन है, डेलरन जॉनसन है, बेलेटन स्टेपल्डन है, और मैकडोवल्ड भी आ सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा किसके हैं, स्टेपल्डन के, डेलरन जॉनसन के, रियान जॉन के, तीन प्लेयर्स के ज़्यादा चांसेस हैं। वेन्यू स्टैट्स की बात करते हैं तो आपको बताए दोस्तों, जो सारी T10 लीग होती है बीपीएल की, इसी वेन्यू के ऊपर भी 4 एडिशन्स हैं, 4 एडिशन इसी वेन्यू के ऊपर में, तो वेन्यू स्टैट्स में आपको क्या ही बताऊंगा, वही बात हो जाएगी सारी। कॉमन कैप्टन डिलन डगलस, डेलरन जॉनसन, बड़ी लीग में किसको बनाना है, बड़ी लीग में बनाओ डिलन डगलस को, डेलरन जॉनसन, कडी मैलियन, केवम हॉज, अलग जाना है, जर्मी लैंड, रियान जॉन, ऑथनो लुइस को आप ट्राई कर सकते हो, ऑथनो लुइस इज अ गुड ऑफ स्पिनर। अब देखो बड़ी लीग में करना है, रिस्क लेने से नहीं डरना आपने। आप देखो यहाँ पर जो बॉलिंग अटैक है ना किसका, सॉल्ट पॉन्ड बेकर्स का, स्ट्रॉन्ग है। वहीं दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट सुपर हाइकर्स का, इनका बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, और दोस्तों जो बैटर सेक्शन भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर कौन कौन है, डिलन डगलस है, मलोनी है, ये भी खेल चुके हैं क्या सुपर 50 में, ओपन कर चुके हैं ये, गिड्रॉन पॉप है, ये भी दोस्तों हाई लेवल के ऊपर सीपीएल में खेल चुके हैं, मैं आपको पहले बताऊँ गिड्रॉन पॉप एक प्लेड इन सीपीएल 2 साल पहले। केवम हॉज दोस्तों वेस्ट इंडीज़ बी के लिए खेल चुके हैं, ऑथन ओलिस के पास बहुत अच्छी हाइट है, जर्मी लैंड डेथ और स्पेशलिस्ट है, तो उनकी टीम भी सॉर्टेड है। देखा जाए ये दोस्तों दो बेहतरीन टीम्स के बीच में मैच होने वाला है, तो देखो बड़ी लिस्ट में करना है, रिस्क लेने से नहीं डरना, मजा आएगा दोस्तों उस मैच के अंदर, रिस्क लेने से नहीं डरना आपने, आपने दिल की सुननी है अपनी। अब देखो अंशुल लक्ष्मण अच्छे विकल्प है, बस नीचे खेलते हैं, वरना मैं आपसे कहूँगा पॉपे को ही पिक करना आप ज़्यादातर। चलेंगे यहाँ पर फिर सुनील एम्बरेस की तरफ, ये शायद अवेलेबल ना हो दोस्तों, मेरे को जितनी न्यूज़ मिल रही है यार कि स्क्वाड के अंदर थे ही नहीं है, जो उनका वीपीएल का ट्विटर वगैरह उसके अंदर नाम था ही नहीं इनका, तो देखते हैं क्या होता है। मलोनी इंपॉर्टेंट है, नेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, केवम हॉज मुझे इंपॉर्टेंट है, तो तीनों प्लेयर्स को पिक कर रखा है, केवम हॉज कैन बोल कैन बैट वही बात है, रिकफर्ड वालकर ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ओपन करेंगे और अगर इन्होंने अपने गेम में इंप्रूवमेंट करा होगा तो इस मैच में चल सकते हैं। रिकफर्ड वालकर इज अ गुड प्लेयर, लास्ट ईयर पहले ओपन करा, फिर बाद में लोअर ऑर्डर के अंदर गए, लोअर ऑर्डर के अंदर रन बनाए, फिर से इनको टॉप ऑर्डर मिला है, फिर से फ्लॉप हुए, तो लोअर ऑर्डर में अच्छा करा था उसने, नंबर 4 नंबर 5 पे। डिलन डगलस नंबर 4 नहीं, 3 डाउन, आई मीन नंबर 4 मतलब यार 1 डाउन होता है। डिलन डगलस इंपॉर्टेंट है, ऑथन लुइस इंपॉर्टेंट है, रॉजी मैथ्यूज सबके ऊपर निर्भर करेगा, जर्मी लैंड मुझे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। चलेंगे अपन फिर किसी तरफ, बैलेंटन स्टेपल्डन इंपॉर्टेंट है, डेलरॉन जॉनसन इंपॉर्टेंट है, रियान जॉन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इवन कैमरन स्टफ बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इनके लाइन लेंथ अच्छी है, कंसिस्टेंट बॉलर है। हरियाणा विलियम्स ग्रैंड लीग में रोटेट करना बेबी शायद स्क्वाड के अंदर नहीं है जितना मैंने सुना है। यहाँ पे कडी मैलियन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज के लिए खेले हैं सीपीएल। बात करेंगे दोस्तों किसकी, कोई भी फर्दर अपडेट्स आइए दे दूंगा आपको, टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, तब तक लिए देखते स्टार्ट जरूर जी मेहनत की दफा। और ये भी दोस्तों ध्यान रखना है, ये क्या वही कड़ी मैच है जिन्होंने सीपीएल खेला है, ये भी दोस्तों आपको मैं कंफर्म करके दूंगा जब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा मैच का, जब मैं कमेंटेटर से सुनूंगा। ठीक है, टेक केयर, लव यू गाइस, सी यू सून, जय हिंद।